हेलो फ्रेंड्स, आप हैं मेरे साथ हंसराज स्टडी मटेरियल में, और यहाँ हम सीटेट के सिलेबस को कवर कर रहे हैं जो एनसीईआरटी की बुक से कर रहे हैं। कल हमने क्लास सिक्स की सामाजिक और राजनीतिक जीवन बुक से पहला लेसन कंप्लीट किया था, विविधता की समझ, और आज हम पढ़ेंगे विविधता एवं भेदभाव। जी शुरू करते हैं आज का लेसन। आज का लेसन है विविधता एवं भेदभाव। विविधता और भेदभाव से ही पता चलता है कि देखो विविधता क्या है। अलग अलग रहन सहन, खान पान, उनका जो है वो तो होता है विविधता। सभी इंसान एक जैसे है, लेकिन उनके तौर तरीके, उनका रहना कैसा है, उनका खान पान कैसा है, इन सब में जो भिन्नता पाई जाती है उसे तो कहेंगे हम विविधता। लेकिन भेदभाव होता है जो कोई भी व्यक्ति अपने किसी धर्म या जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव किया जाता हो, जब कोई अमीर हुआ कोई गरीब हुआ, तो इसे कहेंगे हम भेदभाव। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। देखें यहाँ पर ये अलग अलग बच्चे दिखाए गए हैं, जैसे ये पैरालाइज है बच्चा, तो ये सब अलग अलग दिखाए गए, ये अंधा है, ये सब अलग अलग तरह के बच्चे दिखाए गए हैं। शुरू करते हैं, हम क्या है और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो भी यह अंदाजा लगाया जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। कैसे है विविधता वाला देश, क्योंकि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं यहाँ। तो संसार में मुख्यतः 8 धर्म हैं और भारत में इन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। तो देखिए जितने भी संसार में धर्म हैं उन सभी के अनुयायी भारत में रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएँ बोली जाती हैं जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं, जैसे कुचिपुड़ी नृत्य, कथकली, ये सब अलग अलग तरह के नृत्य किए जाते हैं। यह विविधता हमेशा खुश रहने का कारण नहीं बनती, इसे ही हम विविधता कहते हैं। किसी का मातृभाषा कुछ है, किसी की कोई है, कोई बंगाली बोलता है, कोई हिंदी बोलेगा, कोई इंग्लिश बोले, ऐसे ही अलग अलग भाषाएँ हैं, तो उसे ही हम विविधता कहेंगे। लेकिन आवश्यक नहीं है कि यह विविधता हमेशा ही अच्छी हो, इसके कुछ बुरे प्रभाव भी होते हैं। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित और आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं, तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। देखिए हम अक्सर ऐसा होता है, जब भी हम किसी अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे, अगर वे अलग भाषा बोलते होंगे तो हम उनके साथ सहज महसूस नहीं करते, उनके साथ संतुलन नहीं बिठा पाते। लेकिन अगर वहाँ हमें अपने ही आसपास का रहने वाला कोई व्यक्ति मिल जाए तो हम उसके साथ एकदम घुल मिल जाते हैं। तो ये अंतर है इस चीज़ का। तो लेकिन हमारे यहाँ समाज में क्या है, हम किसी के बारे में अपनी एक अलग ही राय बना लेते हैं कि जैसे लड़कियाँ और लड़के, कुछ कार्य ऐसे होंगे जो हम कहेंगे कि लड़के इस काम को तो केवल लड़के ही कर सकते हैं या लड़कियाँ ही कर सकती है। तो ये सोच हमारे समाज में बनी हुई है। इसी सोच को जो हम किसी के प्रति बना लेते हैं उसे ही कहते हैं पूर्वाग्रह। किसे कहेंगे पूर्वाग्रह, जैसे हमने किसी के प्रति अपनी सोच बना ली हो, जैसे जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। यहाँ से ये लाइन देखिए इंपॉर्टेंट हो गई, पूर्वाग्रह क्या है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, जैसे कि कथनों में दिया गया है लोगों को आलसी, चालाक या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। ये पूर्वाग्रह कैसे हो सकते हैं, देखिए ऐसे होंगे, आधे से ज़्यादा भारतीय गाँव में रहते हैं, ग्रामीण लोग, जैसे देखो ये होगा, अक्सर ये कहा जाता है कि ग्रामीण लोग जो है वे गवार होंगे, तो ये एक पूर्वाग्रह, जरूरी नहीं सभी गवार थोड़ा होते हैं, गांव में भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, वहाँ के भी बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन माना ही नहीं जाता ऐसा, ये बस अपने राय बना ली है। ये हम सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का एक तरीका, कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है।
तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते और उसी काम को दूसरों की तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि हमारी सबसे अच्छी भाषा है तो दूसरी भाषा महत्वपूर्ण नहीं है। आजकल यही हो रहा है कि जिसे अंग्रेजी बोलनी आती है उस बच्चे को होशियार समझा जाता है और बाकी सब जो भी है जिसे अंग्रेजी नहीं आती उसे समझा जाता है कि इससे तो कुछ भी नहीं आता। तो अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व दिया गया है जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये भी एक अलग विषय की तरह ये भी एक विषय है जबकि हमारी मातृभाषा तो हिंदी है लेकिन इंग्लिश को ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो इसीलिए ये एक पूर्वाग्रह बन गया है, एक हमने अपने मन में राय बैठा ली है जिसे इंग्लिश नहीं आती वो कुछ नहीं कर सकता। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रह हो सकते हैं जैसे लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस शख्सियत से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं इत्यादि। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। लड़के और लड़कियों में भेदभाव, क्या भेदभाव किया जाता है लड़के और लड़कियों में? जैसे खेलने का है, अगर लड़कियां लड़कों वाले खेल खेलेंगे सब बैट बॉल खेलेंगे तो उनसे कहा जाएगा कि लड़कियों के खेल नहीं है। अगर लड़का कोई गुड्डे गुड़िया से खेलेगा तब कहा जाएगा कि ये लड़कों के खेल नहीं है। अगर कुछ बातें ऐसी होती है कहा जाता है कि लड़कियां तो बचपन से ही बहुत ही सुशील होती है, चंचल होती है, लड़कों के साथ ये सब प्रयोग नहीं किए जाते। ऐसे ही लड़के, अगर कोई लड़का रोता है तो उसके मन में ये बात बैठा दी जाती है कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां रोती है। तो धीरे धीरे वो उसकी सोच भी ऐसी हो जाती है कि अगर वो किसी के सामने रोएगा तो सब उसे कमज़ोर समझेंगे। तो ये सब लड़कियों में भेदभाव किए जाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर कुछ गुण दिए गए हैं, वे बहुत ही सुशील है, तो ये सुशील वर्ड किसके साथ जुड़ता है? लड़कियों के साथ। अक्सर शारीरिक रूप से बलिष्ठ वर्ड ये किसके साथ जुड़ता है? लड़कों के साथ, कि लड़के ही मजबूत होते हैं शारीरिक रूप से, रोते नहीं हैं, कौन नहीं रोता है लड़के। तो ये सब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे समाज ने हमारे मन में बैठा दी है कि ये काम लड़के ही कर सकते हैं और ये कुछ काम जो है वो लड़कियाँ ही कर सकती हैं। आगे इसमें दिया गया है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। देखिए जैसे ये बच्चा पाइज है, अब ये सोच रहा कि जब भी मैं ऐसे चलता हूँ बैसाखी लेकर सब मेरे बारे में बातें तरह तरह की बातें करते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं, इससे मुझे बहुत दुख होता है। ऐसे ही ये बच्चा है यहाँ, तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है घूरती आँखों से, मैं छिप जाना चाहती हूँ। ये लड़की कह रही कि जब मैं ऐसे चलती हूँ तो सब मेरा मजाक बनाते हैं मुझे और इन सबको देख कर मुझे बहुत शर्म आती है और समय मेरा मन ऐसा करता है कि मैं इन सब से जाकर कहीं छिप जाऊं। क्या उसका दिमाग सही है? अब देखिए ये बच्चा पाई जाए तो हमारे मन में क्या फीलिंग आएगी कि ये तो पाई जाए, ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी पढ़ने में होशियार हो सकता है, ये भी अच्छी पेंटिंग कर सकता है। बाकी सब इसमें बस यही तो है कि ये बच्चा चल फिर नहीं सकता अपने आप, बाकी सब काम तो ये कर ही सकता है। अब पहले इन बच्चों के लिए विकलांग शब्द यूज किया जाता था लेकिन अब क्या है, अब इन्हें एक विशेष श्रेणी में रख दिया गया है जहाँ हम इन्हें विशेष जरूरतमंद वाले बच्चे कहते हैं। जैसे ये हैं खास जरूरत वाले बच्चे, तो अब इन्हें क्या कहा जाता है? खास जरूरत वाले बच्चे, जिन्हें थोड़ी सी अगर सपोर्ट मिल जाए तो ये भी सामान्य बच्चों की तरह ही रहते हैं। आगे हैं, अगर इस कथन को लेके वे रोते नहीं तो आप देखोगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ ही जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के तो बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं और यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। अब जैसे ये देखिए, वे कोमल एवं मृदु स्वभाव की है, तो ये वर्ड किसके साथ जुड़ता है? ये लड़कियों के साथ जुड़ता है। वे बहुत ही सुशील है, ऐसे कथनों को लेकर उन पर चर्चा कीजिए। तो अब ये तो समझ गए होंगे कि ये बातें जो है ये लड़कियों के साथ जुड़ती है और कुछ लड़कों के साथ, इन सबसे ही लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। आगे है इसमें रूढ़िबद्ध धारणाएं। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ ठहराते हैं। अक्सर गाँव में भी ये बात प्रचलित होती है कि देखो ये परिवार जो है ये तो सारे बहुत ही कंजूस हैं, या फिर किसी के घर में जो है वो सारे के सारे भई ये तो सारे चोर हैं, चोरी करना इनका काम है। तो घर चाहे घर में एक ही सदस्य ऐसा करता हो तो उसके साथ सारा परिवार को जोड़ दिया जाता है, तो ये एक रूढ़िबद्ध धारणा बन जाती है। दरअसल
उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण ही यह होता है। हर देश धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में हम ऐसी राय बना लेते हैं, इन्हें ही हम रूढ़िबद्ध धारणाएं कहेंगे। इस प्रकार की धारणाएं प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोकती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और अक्षमताएं भी हैं जो दूसरों से अलग है। हम वहाँ केवल उनकी जो बुराइयां हैं उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो उनकी अच्छाइयां हैं उन्हें हम छोड़ देते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। जैसे माना जाता था कि लड़कियां हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती, लेकिन ऐसा नहीं है, अब लड़कियां भी पायलट बनने लगी हैं। तो इसे पूरे ग्रुप को ही प्रेजेंट कर दिया था कि लड़कियां तो इस काम को कर ही नहीं सकती। आप जैसे मुसलमानों के बारे में देखिए, यहाँ दिया गया है कि मुसलमानों के बारे में यह आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, जबकि हमने ये इसका कारण जानने की कोशिश ही नहीं की। इसका कारण है कि अक्सर उनमें गरीबी के कारण वे उनका खर्च वहन नहीं कर पाते हैं, और इसी कारण वे जल्दी ही लड़कियों को स्कूल से घर बैठा लेते हैं। लेकिन मन में क्या धारणा बन गई कि मुस्लिम जो है वो लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते। ऐसा मानते हैं भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। जैसे कि पहले था, जो अछूत जातियाँ थी उन्हें सबके साथ मंदिर भी नहीं जाने दिया जाता था, सबके साथ वे खाना नहीं खा सकते थे, मंदिर नहीं जा सकते थे, एक ही कुएं से पानी नहीं पी सकते थे, तो वो सब उनमें भेदभाव ही था। भेदभाव के कई कारण हो सकते हैं। आप याद करें कि पिछले पाठ में हमने समीर को उदाहरण दिया था, वे दोनों अलग अलग थे, गरीब था एक अमीर था, लेकिन उन्होंने अपने इस भेदभाव को बीच में आने ही नहीं दिया, क्योंकि एक मुस्लिम था एक हिंदू था, उन्होंने बीच में आने ही नहीं दिया, उन्होंने फिर भी दोस्ती की। आगे हैं, कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के साधन नहीं हैं, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूह और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। अब है आगे, भेदभाव का सामना करने पर क्या होता है। अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बड़ेगिरी, खेती और बुनाई इत्यादि। लेकिन कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाने, इन कामों को सभी छोटा काम मानते हैं, इन्हें कम महत्व दिया जाता है। तो जो भी व्यक्ति इन काम को करेगा उसे भी छोटा ही माना जाता है, उसे गंदा और अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया है, जिसमें पहले ऊपर कौन सी जाति, जैसे ब्राह्मण थे, पहले ब्राह्मणों को सबसे ऊपर रखा गया, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रीय, ऐसे ऐसे रखा गया। तो जो जाति नीचे रखी गई उसे बिल्कुल ही निम्न जाति का माना जाता था, उन्हें छूत, उनके हाथ का छुआ हुआ कोई कुछ भी नहीं खाता था, तो ऐसे भेदभाव किया गया उनके साथ। यहाँ देखिए दिया गया है दलित शब्द क्या है। दलित वह शब्द है जो नीचे कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया या कुचला गया हो। दलित के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। तो यहाँ ये डेफिनेशन याद रखना कि दलित के वर्ड से मतलब क्या है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ इस चित्र में जाति के आधार पर बच्चों को दिखाया गया है कि जो उच्च जाति के बच्चे हैं वे आगे बैठे हैं और जो निम्न जाति के बच्चे हैं उन्हें पीछे और नीचे बैठा दिया गया है।
नेक्स्ट है नेक्स्ट आगे यहाँ पे कुछ नहीं है अगले पृष्ठ पर हम देखें कि कैसे भारत की एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ा था भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव की अपने अनुभव के बारे में लिखा है यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था जब वे केवल 9 साल के थे वे महाराष्ट्र में ये देखिए उनके पिता जो है वो रहते थे महाराष्ट्र में तो वे अपने भाई के साथ उनसे मिलने गए वहाँ क्या हुआ क्योंकि वे अच्छे उनके जो फैमिली का बैकग्राउंड था वो तो अच्छा ही था बेशक वे अछूत जाति के थे तो उनके कपड़ों को देखकर जब वे बच्चे वहाँ खड़े रहे तो किसी ने सोचा ही नहीं कि वे अछूत जाति के होंगे तो एक स्टेशन मास्टर आया उन बच्चों से पूछा कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो उन बच्चों ने बताया कि हम अपने पिताजी का इंतजार कर रहे हैं वे हमें लेने आएंगे लेकिन अभी तक आए ही नहीं लेने तो ये एकदम परेशान हो गया लेकिन जब अंबेडकर के मुंह से निकला कि हम महार हैं तो एकदम इसकी जो भावनाएं थी उनके प्रति वे बदल गई और यह उन्हें वहीं पे छोड़कर चला गया फिर इन बच्चों ने वहाँ पर जो रिक्शा थी उनसे पूछा बैलगाड़ी वालों से पूछा कि कोई हमें वहाँ छोड़ आएगा तो हम उसके दो उन्हें पैसे भी देंगे लेकिन किसी ने भी अछूत जाति को ले जाना उचित नहीं समझा और सभी ने मना कर दिया ये देखिए इन्हें किस प्रकार उस भेदभाव का सामना करना पड़ा ये थे भीमराव अंबेडकर जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा था अब से आगे है समानता के लिए संघर्ष ब्रिटिश शासन से आजादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था दलितों औरतों जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी जैसा कि पहले भी बात हुई बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे उन्हें भी अधिकार मिले किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया 1947 में भारत जब आजाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उनके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्से थे जैसे अंबेडकर इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिसे भारत के सभी लोगों को बराबर माना जाए समानता को अहम मूल्य की तरह माना गया जो हम सभी की को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है देखिए ये औरतें अपने समानता अपने हक के लिए संघर्ष करते हुए आंदोलन में भाग लेते हुए अब आगे भारत का संविधान ये यहाँ पर भारत का संविधान लिखने वाली समिति के कुछ सदस्यों की पिक एक जगह दी गई है और यहाँ भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसमें लिखा गया कि सभी भारतीय जो है वो एक समान है और इसके साथ ही ये लेसन यहाँ ख़त्म हो जाता है तो कल हम अपना नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे वो है 21 सेकंड में सरकार से रिलेटेड सरकार क्या है तो फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर आप डेली सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमसे कंटिन्यू जुड़े रहिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें